डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मियोसिस के अंतर्गत न्यूक्लियर डिवीजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस के विषय में चर्चा की थी और उसके अंतर्गत इंटरफेज के सब स्टेजेज G1 अर्थात ग्रोथ फेज फर्स्ट और वी कैन से पोस्ट मियोटिक गैप फेज और मियोटिक गैप फेज और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज के रूप में चर्चा की थी। इसी के साथ एस फेज अर्थात सिंथेटिक फेज और G2 अर्थात प्री मियोटिक गैप फेज और पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज और सेकेंड मियोटिक फेज के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम मियोसिस के अंतर्गत मियोसिस फर्स्ट के स्टेजेस के विषय में चर्चा करेंगे अर्थात फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं मियोसिस फर्स्ट इंटरफेज के सिंथेटिक फेज के पूर्ण होने पर न्यूक्लियस एम फेज स्टेज में प्रवेश करता है। इस प्रावस्था को चार स्टेजेज में डिवाइड किया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। नाउ फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट नोन एज प्रोफेज फर्स्ट विभाजनशील अवस्था की चारों प्रावस्थाओं में यह प्रावस्था सबसे लंबी होती है। यह कई घंटों से लेकर कई वर्षों तक की अवधि की हो सकती है। इस प्रावस्था के मुख्य लक्षण होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल मूवमेंट, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। इन घटनाओं के आधार पर ही प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब स्टेजेज में डिवाइड किया जाता है जैसा कि फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। फर्स्ट सब स्टेज नोन एज लैप्टोटीन, जैसा कि ग्रीक वर्ड लैप्टो मीन्स थिन एंड टाइनी मीन्स थ्रेड और सूत्र अर्थात तनु सूत्र अवस्था। लैप्टोटीन की इस अवस्था को पूर्व में कई साइंटिस्ट द्वारा प्री लैप्टोटीन भी कहा गया। इस अवस्था के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं, न्यूक्लियस के वॉल्यूम में पर्याप्त वृद्धि होती है, न्यूक्लियस में स्थित क्रोमेटिन नेटवर्क का निर्जलीकरण अर्थात हाइड्रोलिसिस होता है एवं कंडेंसेशन होता है जिससे स्पष्ट लेकिन पतले क्रोमोसोम्स प्रकट होते हैं। क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। क्रोमोसोम्स लंबाई में एकल तथा इन पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित अनेक गहरे बिंदु जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स अनियमित रूप से बिखरे हुए अथवा एक बिंदु पर उलझे हुए रहते हैं जिसे साइनेजेटिक नोट कहा जाता है अर्थात आपुंज गांठ भी कहते हैं। न्यूक्लियस स्पष्ट एवं बिग साइज का होता है और इसका आकार आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण से कोरिलेट होता है। नाउ सेकेंड सब स्टेज नोन एज जाइगोटीन। जाइगो मीन्स जॉइनिंग इन पेयर, परस्पर युगलन अर्थात इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज युग्म सूत्र अवस्था। जाइगोटीन में समजात गुण सूत्रों का युग्मन होता है। इस उप अवस्था में कंडेंसेशन द्वारा क्रोमोसोम्स अधिक थिक, ग्रेनुलर्स एंड क्लियर होते हैं। डीएनए की कुछ मात्रा जैसे 0.3% जो सिंथेटिक फेज में नहीं बन पाती या उनका यहाँ निर्माण होता है,
इस डीएनए को जायगोटिन डीएनए अथवा जेड डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। सिनेप्सिस द्वारा सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में परस्पर आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे ये मूवमेंट करते हुए एक दूसरे के समीप आकर लंबाई में पेयरिंग करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग होने की क्रिया को सिनेप्सिस या सिंडेसिस या सिनाइजेशन जिस भी कहा जाता है। ये जायगोटिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। नाउ थर्ड सबस्टेज नोन एज पैकाइटिन और पैकाइनीमा। ग्रीक वर्ड पैकाई मीन्स थिक एंड टीन मीन्स सूत्र, अर्थात स्थूल सूत्र अवस्था। इस उपअवस्था में इस उपअवस्था का प्रारंभ सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन के पूर्ण होने पर होता है। इस प्रावस्था में बाइवेलेंट के पेयर्ड क्रोमोसोम्स में और अधिक कंडेंसेशन होता है, जिससे क्रोमोसोम्स काफ़ी थिक अधिक लंबाई में छोटे और स्पर्श हो जाते हैं। बाइवेलेंट के दोनों क्रोमोसोम्स लंबाई में स्प्लिट होकर दो क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे बाइवेलेंट टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। बाइवेलेंट के क्रोमेटिड्स में रिलेशन कॉइलिंग विकसित हो जाती है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में इन खंडों का आदान प्रदान होता है, अर्थात एक क्रोमेटिड का खंड दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से और दूसरी क्रोमेटिड्स का खंड प्रथम क्रोमेटिड से जुड़ जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होने वाले डीएनए खंडों के इस आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के नाम से जाना जाता है। जीन विनिमय के साथ ही पैकाइटिन पूर्ण हो जाती है। न्यूक्लियोलस सुस्पष्ट एवं बड़ी हो जाती है और सूक्ष्म मात्रा में डीएनए का संश्लेषण होता है। क्रॉसिंग ओवर सदैव होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य ही होता है। इस प्रकार पैकाइटिन के अंत में प्रत्येक टेट्राड की बाहरी दो क्रोमेटिड्स परिवर्तित होती है, जबकि भीतरी दो क्रोमेटिड्स परिवर्तित हो जाती है, अर्थात इनमें जीन विनिमय होता है। जायगोटिन एवं पैकाइटिन के दौरान बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स का रचनात्मक संगठन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। नाउ फोर्थ सबस्टेज नोन एज डिप्लोटीन और डिप्लोनीमा। ग्रीक वर्ड डिप्लो मीन्स टू एंड टीन मीन्स थ्रेड्स, अर्थात द्विसूत्र अवस्था। इस प्रावस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। यह आइसोलेशन सेंट्रोमियर से प्रारंभ होता है और क्रोमोसोम्स के दोनों एंड्स की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया को टर्मिनलाइजेशन या सीमांतकरण भी कहा जाता है। टर्मिनलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बाइवेलेंट की दोहरी प्रकृति स्पष्ट होती है। इसी कारण इस अवस्था को डिप्लोटीन का नाम दिया गया है। दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं, किंतु पूरी लंबाई में एक या अधिक बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं, जिन्हें काइजमेटा कहते हैं। काइजमेटा वे बिंदु हैं जहां पर पैकाइटिन के दौरान जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। जैसे जैसे टर्मिनलाइजेशन की प्रगति होती जाती है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पूरी तरह पृथक हो जाते हैं और डिप्लोटीन के अंत में न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफ़ी क्षीण एवं अस्पष्ट हो जाते हैं। नाउ फिफ्थ सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट नोन एज डायकाइनेसिस या पारगतिक्रम। डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स का संकुचन